Assalamualaikum, it's me Yasha. Welcome back to my vlog video. So, आज के vlog video में आपको साथ share करने वाली हूँ रमजान की preparation part 2. Part 1 में हम लोग गए थे बाहर से कुछ सामान लाने और part 2 में आज मैं बनाऊंगी DIY bedsheet और अपने room के जितने भी curtains वगैरह हैं उधर door के curtain, window के curtain सबको उतार चुकी हूँ मैं wash करने के लिए. इधर भी एक और हम लोग लगाएंगे बड़ा सा वो वाला जो sheer curtain आता है ना वो. तो sheer curtain के लिए मैं कुछ DIY ही यूज करूंगी. तो आज का वीडियो, आज का vlog जो है वो आप लोग के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है. माना कि ये वीडियो आप लोग को रमजान के बीचों बीच में मिलेगा, तो आप लोग इस सब चीजों को ईद के लिए भी कर सकते हो. और कुछ रूम का सेटअप वगैरह चेंज करूंगी, लाइक इस ड्रॉअर को हटाऊंगी, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रखूंगी जिसपे कुछ अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हम लोग रख सकेंगे, जो कि कल मैं बाई करके लेके आई हूँ. इतना प्यारा माशाल्लाह एक बाई की हूँ, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बाई की हूँ, एक और चीज़ बाई की हूँ और एक जानिमाज बाई की हूँ. मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे चीज हमने बाई करे हैं. इस पे का जितना भी था बिस्तर सबको मैं डाल दी हूँ धूप में, ताकि पूरा पूरा बिस्तर वगैरह धूप धूप सा हो जाए. मतलब धूप में जब हम लोग बिस्तर डालते हैं तो फ्रेश हो जाता है. अभी तकिया वगैरह भी लेकर के जाऊंगी धूप में डालने के लिए. एंड सब कुछ को धूप में डालने के बाद, उसके बाद जब सब कुछ एकदम फ्रेश हो जाएगा रूम, थोड़ा सा दीवार वगैरह को भी साफ क्लीन कर दूंगी झाड़ वार करके. मतलब रूम को पूरा क्लियर आउट कर देना है एकदम मस्त सा. और कुछ जो सामान मैं लेकर के आई थी वो सब अभी रखा हुआ है, तो सबको भी हम लोग डेकोर करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. सो स्टे कनेक्टेड, बहुत मज़ा आने वाला है. और सबसे पहले रूम का मेकओवर जो है उसको मैं चेंज करने वाली हूँ, तभी जाकर के टेबल लेके आऊँगी. टेबल है ऊपर वाले रूम में, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे. तो थोड़ा सा मतलब ऐसा कि रूम गैदरिंग भी ना लगे और ऐसा हो कि मतलब प्यारा भी लगे. तो हाँ कुछ करती हूँ. सबसे देखो दिक्कत मेरा फ्रीज देता है. फ्रीज को मैं एक्चुअल में दूसरे वाले रूम में रखने वाली थी, बट यहाँ का जो मेन स्विच है उसमें इन्वर्टर का लाइट नहीं है, और जो बगल वाला रूम है उसमें सारे सारे स्विचेस में इन्वर्टर की लाइट है. और मैं बोली थी कि पावर प्लग से इन्वर्टर की लाइट हटवाने के लिए, बट पावर प्लग से सिर्फ इन्वर्टर की लाइट नहीं हट सकता उस रूम का. जब लाइट हटेगा क्या बोलते हैं यार उसको, इन्वर्टर, हाँ इन्वर्टर का लाइट जब उस रूम से हटेगा तो सारे स्विचेस का हटेगा एक साथ में, और जब रहेगा तो सारे स्विचेस में रहेगा. उसका कुछ अलग से कनेक्शन नहीं दे रखा है, तो इसलिए फिर से फ्रीज को मेरे को यहीं पे ला करके रखना पड़ा. अगर फ्रीज हटा रहता तो मेरा ड्रॉअर उधर चल जाता, मेरा अलमीरा उधर चल जाता. हाँ बगल वाले रूम में जगह है, बगल वाले रूम में मैं अलमीरा और अपना ड्रॉअर्स वगैरह रख सकती हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम शूट या फिर रेडी या फिर आफ्टर शावर मैं इसी रूम में आती हूँ, और यहाँ सामने से विंडो है तो शूट अच्छी तरीके से हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको उस रूम में भी नहीं रख सकती हूँ. सो आई एम सो कन्फ्यूज कि क्या करूँ क्या करूँ, बट कोई बात नहीं, आई विल मैनेज. कुछ तो कुछ करना होगा ना. हाँ तो हम लोग कुछ कुछ करेंगे. एंड कल केक कटिंग वगैरह हुआ है, तो इधर देखो दीवार में लग रहा है बच्चों ने लगा डाला है, तो अभी उसको भी साफ़ कर देंगे. वाटर प्रूफ दीवार है, पेंट है, तो वो कपड़े को बस गीला करके उसको पोंछ देने से वो साफ़ हो जाएगा. सो बस हम लोग अपने प्रिपरेशन में लगते हैं. पहले थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी हैं, इन सब चीज़ों को भी धूप में डालने के बाद, रूम को पूरी तरीके से एकदम क्लियर करने के बाद, तब फिर जब जो तुम्हारी इधर उधर मैं करूँगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी. तो हाँ ये वाला वीडियो जो है, ये वाला व्लॉग जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. तो आप लोग, हाँ मैं कुशन के कवर का भी ऑर्डर दे चुकी हूँ. अभी नीचे पलंग में जो है, नीचे मेरा पलंग गया हुआ है जो जिस पे पहले मैं सोया करती थी, जो कि बेड वो बॉक्स बेड है. एंड उसके अंदर से मुझे निकालने अपने सारे सारे कुशन्स, कुछ शो पीसेस भी हैं उसके अंदर, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर से मेरे को निकालने हैं. सबसे मेन थिंग है DIY बेडशीट जो मैं बनाने वाली हूँ, वो बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है इस पूरे वीडियो का. और इधर जो कर्टन मैं लगाने वाली हूँ, मतलब बहुत कुछ आज के वीडियो में देखने के लिए. सो स्टे कनेक्टेड, बहुत मज़ा आने वाला है. एंड या बस कनेक्टेड रहो, पहले मैं इन सबको सही कर लूँ. फैस कर लें, मैं दो तरीके का कपड़ा बाय की हूँ. ये है लियोन, जो कि मतलब इसको मैं यूज़ करने वाली, जैसा कि मेरा ये सिंगल बेड है तो इस पर ना इसका चौड़ाई आराम से चला जाएगा, तो इसको मैं 2 मीटर बाई की हूँ. और इसके नीचे जो आप लोग को इधर गैप दिख रहा है ना, इधर मैं वाइट कलर का ना फ्रिल पूरा जोड़ने वाली हूँ. तो वाइट फ्रिल के लिए मैं क्रेप बाई की हूँ. क्रेप में बाई की हूँ 6 मीटर. तो 6 मीटर को ना बीच बीच से कट कर करके अगर हम लोग फ्रिल मारेंगे तो हो जाएगा, मुझे डाउट. तो फटाफट से मैं लग गई हूँ यहाँ पर सामान निकालने में. ये जो ड्रॉअर है ना, ये बड़ा मस्त सा ड्रॉअर है. इसमें का पहले सारा का सारा सेक्शन निकाल लो उसका, तब इसको आराम से एक जगह से दो जगह पर मूव कर दो. फ्रीज वगैरह 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 सब मैं खुद ब खुद मूव कर लेती हूँ यार, क्योंकि ये जो डोले शोले हैं ना मेरे हाथ, उनमें बहुत ही ताकत है ऊपर वाली के रैमो क्रम से, तो किसी की नज़रें ना लगे. वरना पता है क्या होता है, मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है अगर मैं ऐसे अपनी तारीफ़ें कर लेती हूँ तो. वैसे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अपनी तारीफ़ें भी कर लेनी चाहिए. तो यहाँ पर मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ, लाइक बोले तो कन्फ्यूज़ याल रहती हूँ. हम लोग बहुत कन्फ्यूज
यूज़ ये आयल रहते हैं। तो इसी तरीके से ना मैं यहाँ पे इस टाइप से कर रही हूँ, हर एक एक चीज़ को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड लास्टली इस टाइप का सेटअप अच्छा लग रहा था तो मैं अभी बोली कि वाह चलो ठीक है, कुछ तो एटलीस्ट अच्छा लग रहा ना। और पता है ब्लैक कलर पर ना डस्ट इतना जल्दी पता चलता है कि मत पूछो, इसको मैं रोज़ पोछती हूँ, रोज़ साफ़ करती हूँ और रोज़ उस पर डस्टिंग आ ही जाते हैं। और अगर आप लोग को मेरा मेकअप कलेक्शन वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोग के लिए मेकअप कलेक्शन वीडियोज़ भी लेके आऊँगी। अब रमज़ान में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कितने ब्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि यार रमज़ान में कुछ मैं एक्स्ट्रा करती नहीं हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। रमज़ान में वही है, दिन भर पूरा दिन इबादत में चला जाता है। इनफैक्ट रमज़ान में मैं वीडियो शूट तक नहीं करती हूँ, जितने भी वीडियोज़ आप लोग को मिल रहे होंगे सारे के सारे रमज़ान से पहले के वीडियोज़ हैं। सारे सारे सामान एक तरफ हो गए, ग्रे वॉल इधर बच रहा है, उधर साइड में जो अटैची था सबको इस चौकी के अंदर मैं कर चुकी हूँ। इधर का जो स्पेस जो खाली बचा है इधर ही हम लोग डेकोर करेंगे, वैसे ही वाइट लाइट है तो इधर डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं छत पे, मैं आपको दिखाती हूँ किधर है वो टेबल जिसको मैं यहाँ लगाने वाली हूँ। लेट्स गो। इस गुलाब देखो इन माशाल्लाह वो तो कितना अच्छा प्यारा प्यारा मस्त मस्त खिला हुआ है ना, उसको लेके अब मैं टोनर बना लूँगी। वैसे ही वो फॉल आउट कर जाएगा। ये गेंदे का फूल है जो कि इसमें आया था सिर्फ एक, बट इसको मैं चार में लगा दी हूँ। और ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा खिला खिला सा सब हुआ है, मस्त लग रहा है ना बहुत। ये जिस पे बहुत सारे सामान है और इस पे छिपकली भी होगी तो इसलिए मैं इसको नहीं छू सकती हूँ। तो मैं अपने भाइयों को बुलाऊँगी, वो इसके सामान उतारेंगे, इसको धुल धाल करेंगे, इसको धुल धाल के एकदम साफ़ सुथरा कर देंगे, तब मैं इसको नीचे पहुँचवाऊँगी। यहाँ पर ये टेबल आ चुका है, टेबल को करना उधर एकदम दीवार में शिफ्ट, जितनी इसकी चौड़ाई है ना काफ़ी अच्छी है। और फिर इसको कवर भी करेंगे, अभी हम देखते हैं किस चीज़ से कवर कर सकते। टेबल तो मैं लेके आ गई बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार टेबल बड़ा डगम डोल कर रहा था, मतलब ऐसे होता है ना कि इधर से हिलाओ तो इधर से हिल रहा है, उधर से हिलाओ तो उधर से हिल रहा है। उसके बाद सबसे पहले मैं उसमें नीचे में थोड़ा सा पेपर वेपर ठूस ठास के ना उसको सेट कर दी, उसके बाद तब फिर मैं अपना वाइट कपड़ा लगाई उसमें, उसके बाद ऊपर से तब फिर ये वाला टेबल क्लॉथ लगाई। ये देखो ये कितना प्यारा ना माशाल्लाह, मतलब ये दो बाई की थी वह 50-50 रुपीज़ में मेरे को मिला था, इतना अच्छा इतना खूबसूरत लग रहा था ना मुझे, मैं क्या ही बोलूँ। अभी भी थोड़ा सा मसियाया हुआ लग रहा है तो बाद में हम लोग इसको सेट करेंगे। सो डोंट वरी, पूरे वीडियोज़ से आप लोग बने रहो, आप लोग को लास्ट तक बहुत ही अच्छा एक रूम का सेटअप देखने को मिलेगा। हे क्यूटीज, सो मेरा शावर जो है वो डन हो चुका है और इधर मैं अपना बड़ा सा बैग पिटारा लेकर के बैठी पड़ी हूँ, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ व्हाइट कलर का जॉर्जेट का साड़ी प्लेन, बट मिल नहीं रहा है और मुझे कंफर्म भी नहीं हूँ मैं कि मैंने मेरे पास व्हाइट जॉर्जेट साड़ी था या नहीं था। बट मुझे याद है कि दो ब्लैक साड़ी थी मेरे पास, तो एक रफल वाला साड़ी था, एक प्लेन जॉर्जेट ब्लैक था। तो प्लेन जॉर्जेट ब्लैक भी नहीं मिल रहा है मुझे और वाइट भी नहीं मिल रहा है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि वाइट था मेरे पास कि नहीं था। बट इतना मुझे याद है कि शायद मैं वाइट बाई की थी, तो अगर वाइट वाला नहीं मिलेगा तो ये ग्रे भी मैं लगा सकती हूँ, जैसे कि मेरा वॉल का कलर है बट ये थोड़ा सा लाइट है। और ये साड़ी मैं ली थी 850 का, इसकी जो जॉर्जेट की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो इसका मैं फ्रॉक सिलने के लिए इसको ली थी, अंदर से अंदर में इनर लगा करके काफ़ी घेर वाला इसका फ्रॉक बनाने के लिए इसको मैं ली थी। तो अभी जस्ट मुझे याद है कि ब्लैक साड़ी भी मेरे पास था एक और प्लेन, तो अगर ब्लैक वाला वाले के पास वाइट वाला होगा तो सीरियसली दोनों साथ में ही होंगे, बट अगर ब्लैक वाला भी नहीं मिलेगा तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ यार। और इधर भी साड़ियाँ हैं, तो इधर मैरून है, रेड है, स्काई ब्लू है, बट वाइट नहीं मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है यार, वाइट साड़ी नहीं मिल रहा है। और अभी मैं कॉल भी की थी एक दुकान पे तो वहाँ पे भी वाइट साड़ी नहीं है, दुपट्टा है, तो दुपट्टे को भी हम लोग कर सकते हैं बट पहले इसको लगा के देखते हैं। वैसे ये भी अच्छा लगेगा यार थोड़ा, मतलब देखते हैं, अब ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो अगर ये अच्छा नहीं लगा तो फिर मुझे मार्केट निकलना पड़ेगा कल, आज तो नहीं जा पाऊँगी। सो इट्स ऑल्सो टाइम, चलते हैं। इधर का थोड़ा सा डेकोरेशन हो गया, अभी इधर का और बहुत कुछ अभी इधर है बाकी, अभी मतलब इसको डेकोरेशन नहीं बोले, बस सामान यहाँ पे ला करके रख दी हूँ, अभी इन सबको करना है सही, अच्छी तरीके से कांटी वाटी भी ठुकना है एंड बहुत कुछ है अभी। मतलब मज़ा आ रहा है इस बार मुझे भी मेकओवर चेंज करने में। चलो असर के मास कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये इस टाइप से सेटअप है, यहाँ पर इसमें धूप में जलाती हूँ और लिटरली ये वाला जानीमाज जो है वो मैं हादिया कराई थी, जानीमाज ही बोलते हैं मुझे, लाइक जानीमाज ही बोलते हैं यार ऑब्वियसली। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पे बैठ रही थी, बोले तो खड़ी हो रही थी, और उसके बाद फिर मैं अपना कर्टन्स वर्टन्स अच्छे से सही कर रही थी। अभी ईद में ना मैं कर्टन चेंज करूँगी, इनसे बहुत ही कमाल वाली चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। और थोड़ा सा इधर मुझे गैदरिंग टाइप का लग रहा है तो मैं मतलब थोड़ा सा इन सबको सेट करूँगी, अभी ये सब सेट नहीं है यार, अभी समझ में नहीं आ रहा, पता है मुझे कुछ इमोशनल वीडियो भी शूट करना है, अभी इधर का काम भी वैसे का वैसे ही सब पड़ा पर है, इधर का सब ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन में तो रूम का मेकओवर कंप्लीट नहीं हो पाया,
ऑफ कोर्स कल अभी बेडशीट इसका रेडी करना है, अभी तक बेडशीट रेडी नहीं हुआ है और सब मुझे ही करना है। एक इंसान क्या क्या करे भाई, क्या क्या करे। गाइस नाउ इट्स शूट टाइम एंड लिपस्टिक लगा लीजिए, थोड़ा सा लाइट शेड बोले तो। एक्चुअली मैं आजकल शेड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रह रही हूँ। नेचुरल सा पिंक, क्योंकि बहुत ही सटल सा कुछ क्रिएट करना है। गाइज ये देखो कितना लंबा सिंदूर लगा है, तो इस लुक को ना कुछ इसी टाइप से करना था, मतलब बीच से ऐसे निशान लगा के दोनों तरफ में। लिटरली कैमरा मेरा बहुत अलग दिखता है, स्किन एकदम सही दिखता है, बवाल। और अभी इस वाले कैमरा पे कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा वाइट कास्ट दे रहा है, इसलिए आप लोग बोलते हो कि मैं फाउंडेशन बहुत लाइटर शेड का लगाती हूँ। इज माई मेकअप इज डन एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ माई रूम, कैसा लग रहा है, बवंडर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत चाल आगे गया हो। तो ये देखो मेरा मेकअप भी हो गया, हर चीज़ हो गया, हर चीज़ डन भी हो गया, हर चीज़ मैं रिमूव भी कर चुकी हूँ एंड यहाँ पे ये सारे सेटअप वेटअप है, तो इनको बाद में मैं आकर के सही करती हूँ। अभी चलते नीचे क्योंकि 9:30 बज रहा है, जाके हमें रोटी भी बनाना है। मम्मी ने सब्जी बना दी है, मम्मी आटा गूंथ के भी रखी होंगी, बस मुझे जाना है रोटी बनाना है, फिर आकर के जल्दी से ईशा की नमाज़ भी पढ़ना है। सो या और किसी ने मुझे कहा था कि आप नमाज़ वगैरह के बारे में अपने वीडियोस में बताती हैं, इसलिए लोग आपके ऊपर और ज़्यादा फोकस करते हैं और वो लोग और ज़्यादा आपको नेगेटिव बोलते हैं कि सर पे पर्दा किया करो, ऐसे पर्दा किया करो, वैसे पर्दा किया। देखो नमाज़ के बारे में इसीलिए बताती हूँ ना ताकि लोग ये चीज़ देख सकें और वो लोग भी खुद के अंदर फील कर सकें, क्योंकि जैसा मुझे पता है कि 80% लोग भी नमाज़ नहीं पढ़ते। जो लोग मुझे बोल रहे हैं वो भी नहीं पढ़ते होंगे शायद, किसी को मैं ऐसे जज तो नहीं कर सकती हूँ, बट जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बस यही एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी करो, जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है उसको भी मत छोड़ो। मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, मैं ये ऐसे आउटफिट पहन रही हूँ, वैसे आउटफिट पहन रही हूँ, बट ये सब के बीच में भी मैं नमाज को नहीं छोड़ रही हूँ। तो यही मैं बस मैसेज उन लोगों को भी देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ, वरना मुझे ऐसे दिखावा का कोई शौक नहीं है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे नहीं दिखाने को तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि और भी बहुत कुछ है आप लोग साथ शेयर करने के लिए। तो जो आप लोग बोलो, जैसा आप लोग का हो, बस मैं तो करने के लिए रेडी हूँ। सो चलो अब निकलते हैं रूम से बाहर और नीचे चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, डिनर मेरा बड़ा टेस्टी सा सब्जी और रोटी था। तो ये आलू और अंडा का सब्जी था, बोल तो आलू दम भी इसको हम लोग बोलते हैं, और लिटरली ये वाली सब्जी मुझे बहुत बहुत पसंद है। चिकन के बाद ना यही सब्जी मेरा एकदम फेवरेट है, क्या ही बोलूं। आप लोग को दिखता है, इसके साथ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो इसमें मैं भर के लेके आती हूँ तेल, एटलीस्ट यहाँ तक, इसका हाफ से भी ज़्यादा। पहले मैं नीचे से भर के लेके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, ये मस्टर्ड ऑयल है, तो मैं किचन से इसको लेके आई हूँ, एक चम्मच भी लेके आई हूँ। दूसरे ग्लास में पानी लेके आ रही। हाँ जी, तो इसमें पता है मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाला हैक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो इसमें क्या करूँ, मैं आई शेडो ले रही हूँ 3, ताकि मेरा जो कलर है ना वो तीनों एक में हो जाए, बट पता है बाद में ट्रेजिडी हो जाता है। ये शिमर पाउडर भी मैं ले रही हूँ, उसके बाद तक फिर वो ग्लिटर ऐड कर रही हूँ इसमें, बट पता है क्या हुआ था, जो शिमर था ना वो इसमें मिक्स ही नहीं हो रहा था। मतलब ये लोग बता दिए कि यार ये लोग सच में वाटर प्रूफ मेकअप हैं, बाद में सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्लिटर और शिमर के कुछ पार्टिकल्स मिक्स हुए थे, शिमर जो था वो फुल ऑन मिक्स नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो हम लोग मेकअप करते हैं ना उसमें जो कॉम्पैक्ट वगैरह होता है उसको पाउडर से उतना असर नहीं होता। यहाँ पे मैं ऑयल ले ली हूँ 1 कप में, और 1 कप में मैं वो वाला सब पूरा मिक्सचर रेडी कर दी थी। अब दोनों को एक दूसरे में ढाल ढाल करके कर दी हूँ। ये देखो कितना मस्त शरबत के जैसा लग रहा है ना, ओए होए होए, अगर ये तेल ना होता तो मैं तो इसे घटक से पी जाती। बहुत ही बवंडर सा लुक दे रहा था। इसके ऊपर क्या करना था कि दिया वगैरह रख देना था। अब मैं इस सेटअप को थोड़ा सा और चेंज कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप लग रहा था मुझे, और लास्ट डे पे मैं इस सेटअप को और ज़्यादा चेंज कर दी थी। इस वीडियो में भी आपको टोटल नहीं दे पाऊंगी मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 14 मिनट का वीडियो हो रहा था। तो ये लास्ट में ना मैं इसमें दिया रख रही थी, एंड दिया रखने के बाद लिटरली इट वाज लुकिंग वेरी बॉम। अभी देखना मैं इसको जलाऊंगी, एंड माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इस तरीके से आप लोग भी दिया होल्डर बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक देगा, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देगा। और ईद में मैं फिर से रूम का जो लुक है ना उसको चेंज कर लूँगी, तो उसके लिए भी कनेक्टेड रहना। पार्ट 2 में मैं DIY बेडशीट दिखाऊंगी, कैसे मैं बेडशीट बनाई हूँ, और चांद रात का वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे मैं चांद देखने गई थी, चांद मुझे दिखे या नहीं दिखे, हर एक चीज़ में इसके पार्ट 2 में दिखाऊंगी। एक्चुअली वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, 14 मिनट का वीडियो एनफ होता है। तो हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लाइक शेयर कॉमेंट करना, कॉमेंट ज़रूर से करना। ओके ना, बाय।